आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन के अंदर हमें HF का आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁴। तो हमें HF की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बतानी है इन इट्स 0.2 मोलर सॉल्यूशन, और हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज भी बतानी है अलॉन्ग विद द pH। सो बेसिकली हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सो इनिशियली हमारे पास HF की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.02, क्योंकि हमें दे रखा है कि हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट करनी है ना 0.02 मोलर सॉल्यूशन। तो अगर हम मान लें कि हमारे कुछ एक्स है जो मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास कितने मोल्स बचेंगे, 0.02 माइनस एक्स, ये हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और ये था हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस और F नेगेटिव कितना बनेगा, X एंड X, क्योंकि एक मोल HF का हमें एक मोल दे रहा है हाइड्रोजन आयंस का और एक मोल दे रहा है फ्लोरीन के आयंस का। तो X मोल्स हमें HF के X मोल्स देंगे हाइड्रोजन आयंस के और X मोल्स देंगे फ्लोरीन के आयंस के। सो अब बेसिकली अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक एक्सप्रेशन लिखें तो वो आ जाएगा इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास इस केस में ये आयंस है एंड रिएक्टेंट है हमारे पास HF। तो अब हम अगर सिंपली इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें एक्स और एक्स दे रखी है, HF की है 0.02 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁴। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3.2 × 10⁻⁴ माइनस 6.4 × 10⁻⁶। ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.2 × 10⁻⁴ × x हो जाएगा एंड देन हमने साइड शिफ्ट कर दी तो हमारे साइंस नेगेटिव हो गए। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करना चाहे तो x की वैल्यू कैसे आती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x आ जाएगा हमारा माइनस 3.2 × 10⁻⁴ प्लस माइनस रूट ऑफ 3.2 × 10⁻⁴ × 3.2 × 10⁻⁴ माइनस 4 × 6.4 × 10⁻⁶ विद अ माइनस साइन × 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आता है माइनस 3.2 × 10⁻⁴ प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁸ और इस तरफ 10⁻⁶ रह जाएगा। तो अगर मैं 10⁻⁶ कॉमन निकाल लूँ एंड 64 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 3.2 × 2, तो मैं एक 3.2 × 2 भी बाहर निकाल रही हूँ। तो ये तो हमारा सीधा बाहर आ जाएगा, हमारे पास इधर बचेगा 1.6। तो अगर मैं इसमें से 4 भी कॉमन निकाल लूँ तो इस तरफ हमारे पास बचेगा 0.4 × 10⁻²। क्योंकि हमारा इस तरफ से सब कुछ बाहर आ चुका है डिवाइडेड बाय 2। सो ऑन कैलकुलेशन हमें क्या मिलता है, 2.4 × 10⁻³।
या फिर -2.4 × 10⁻³। तो ये वाला आंसर तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन में, और हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम एक्स की वैल्यू लेंगे 2.4 × 10⁻³। सो बेसिकली अब हम इजीली कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें एक्स ही दे रखी है, सो दिस इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻³। एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0.02 − 2.4 × 10⁻³, जो आ जाएगा हमारा 1.76 × 10⁻²। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें कैलकुलेट करना है पीएच। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2.4 × 10⁻³। तो ये आ जाएगा हमारा 2.62 के इक्वल। एंड लास्ट में हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ एच आई रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ एच आई। तो हमारा कितना एच आई रिएक्ट करा था, एक्स, तो 2.4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 0.02। तो ये आता है हमारा 0.12। तो हमने एच आई का अल्फा, पी एच एंड कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लिए।